फैक्ट नंबर थ्री, अगर आप किसी के साथ भी झगड़ा करते हो या कोई भी लड़ाई होती है तो आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि आप ऐसा सोचिए कि आपकी वॉइस जो वो रिकॉर्ड हो रही है, तो इससे जो है आप मतलब कुछ भी ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जब भी गुस्से में होते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं, और इसी वजह से आप हमेशा ऐसे ही सोचा कीजिए कि हमारी वॉइस जो रिकॉर्ड हो रही है, जिससे जो है आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से बिहेव करने लगेंगे। फैक्ट नंबर टू, ओडिशा में एक रहने वाले आदमी को एक बहुत ही ज़्यादा जहरीले सांप ने काट लिया था। अगर आप इसकी जगह पर होते तो क्या करते हैं? मुझे पता है आप भाग कर डॉक्टर के पास जाते, पर उसने ऐसा नहीं किया। उस आदमी को चाहिए था बदला। जी हाँ, उसने जो सांप को फिर से वापस से काट लिया। और मतलब चौंकने वाली बात तो यह है कि वो जो सांप था वो तो मर गया, पर वो जो आदमी था वो बच गया। फैक्ट नंबर वन, वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के मतलब किसी ने आपको हेलो की और आपने भी पलाय में उसको मतलब दूर से हेलो कर दिया और हाथ हिला दिया, और बाद में पता चला होगा कि वो जो है पीछे खड़े आदमी को जो है हाथ हिला रहा था? तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी सिचुएशन में जो है हाथ नहीं हिलाना चाहिए, आपको जो है उसकी तरफ स्माइल देनी चाहिए। जी हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।